नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार अनिल टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंजल वन का पूरा डेमो, यानी कि हम आपको पूरी तरह से एंजल वन के अंदर बाय सेल कैसे करना है, एंजल वन के क्या क्या फीचर नए ऐड हुए हैं और किस तरह से आपको बेसिक से एडवांस पूरा यहाँ पर कॉल या पुट या जो भी आपके जब आप कॉल को या पुट बाय करते हैं या कहाँ पे देखना है या वॉचलिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और नॉलेजेबल वीडियो है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो देखो सर, यहाँ पर आपको अगर एंजल वन में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एंजल वन का एक लिंक दिया हुआ है, उसके द्वारा आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक बेसिक कोर्स जो कि हमारा फ्री मिल जाता है। और इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम के पेड ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहाँ पे आपको डेली का ऑप्शंस कॉल और फ्यूचर और अपना स्टॉक के दो तीन अपनों डेली के कॉल मिलते हैं। और ऑप्शंस का अगर आप बात करें तो ऑप्शंस में आपको बहुत ही अच्छा डेली का दो कॉल मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर आपको ऐड कर लेंगे। तो ज़रूर इस लिंक से आप ओपन कीजिएगा और आपको एक चार्ट गाइड का एक पैटर्न जो कि आपको एक बुक भी इसमें दिया जाता है। थोड़े से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप एंजल वन का आपको लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपका इंटरफेस ये ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर वॉच लिस्ट है, यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो है। ठीक है, उसके बाद आपको आपका ऑर्डर और यहाँ पर आपका अकाउंट। तो पहले नीचे आप देख लो, यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप एक दो ये देख लीजिए नीचे, यहाँ पे आप सारे ऑप्शन जो है नीचे आप एक बार देख लेना। ठीक है, नीचे आपको ये पांच ऑप्शन के बाद आपको क्या करना है, पहले तो आपको होम में जाना है। ठीक है, हम होम में जाएंगे। होम में देखो, यहाँ पर आपको इस तरह का ऊपर जो ऑप्शन है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डॉव, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये म्यूचुअल फ्यूचर ऑप्शन एंड म्यूचुअल फंड। ठीक है, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड फ्यूचर ऑप्शन यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन में भी आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम लोग अभी हम वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे। हम स्टार्टिंग में हमारा काम क्या रहेगा, फंड ऐड। ठीक है, आपको कोई फंड ऐड करना है तो पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन, जस्ट 2 मिनट। ओके, देखो यहाँ पर जब आपको अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है तो अकाउंट में आपको जाना है। ठीक है, अकाउंट में आप जाएंगे, अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड ऐड फंड ना, ऐड फंड के ऑप्शन में आप जाना है। ऐड फंड के ऑप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको विड्रॉ का ऑप्शन भी आएगा और ऐड फंड का ऑप्शन भी आएगा। अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अकाउंट में 70,000 ऐड कर लिए हैं, फिर भी आपको मैं यहाँ पर ऐड बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड बटन को क्लिक करेंगे, देखो आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है, तो ये ऑप्शन आपको देखेंगे आपको कितना डालना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सिंपल यहाँ पे ऐड फंड के ऊपर आपको जितना अमाउंट डालना है, एग्जांपल यहाँ पे मैं 50,000 रुपये डालना है, तो आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट है आपकी वो डाल देना है। जैसे आप डालोगे, वो डालने के बाद आप यहाँ पर ऐड फंड करोगे, ऐड फंड को जैसे आप क्लिक करोगे, ये आपको लेके जाएगा आपके गूगल पे फ़ोनपे, जो भी आपने UPI एक्टिवेट किया है उसके ऊपर आपको लेके जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ऐड फंड आप इस तरह से आपको कर लेना है। जैसे आपने ऐड फंड कर लिया तो सेम मेथड से आप फिर से अगर आपको पेमेंट विड्रॉ मारना है तो आप यहाँ पे विड्रॉस भी मार सकते हैं। सेम मेथड है, विड्रॉ मार के अमाउंट डालना है और सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ऐड फंड यहाँ पर आप कर सकते हैं, फैंड ऐड फंड और विड्रॉ दोनों ऑप्शन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारा आता है वॉच लिस्ट। तो हम लोग पहले हम यहाँ पर वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप दिख रहे होगा वॉच लिस्ट, यहाँ पे वॉच लिस्ट है, तो मैं वॉच लिस्ट को भी क्रिएट कर ले लो। जैसे आपको वॉच लिस्ट को क्रिएट करने के बाद ये आपको ऑप्शन आएंगे ऊपर, यहाँ पे देखो आपको डिस्कवर करना है माय वॉच लिस्ट एंड माय जो भी आपको नाम बनाना है, क्रिएट करना है, उसके ऊपर आपको जैसे नाम दे सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने 1 करोड़ का एक मेरा वॉच लिस्ट मैंने बनाया है ETF का। ठीक है दोस्तों, ETF के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ETF के बारे में भी मेरे दो तीन वीडियो अभी मैं बनाने वाला हूँ। तो ETF के अगर आप कमेंट्स में करेंगे तो ETF के जो प्रॉफिटेबल ETF है, जिसमें आप डेली 500-1,000 रुपये पर डे कमा सकते हैं, वो ETF जो भी गारंटेड ETF है और इसमें कोई लॉस नहीं होता, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप अगर कमेंट्स करके मुझे लिखेंगे तो। ठीक है, तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखते दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक वॉच लिस्ट क्रिएट की है। तो वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल ये जो आपको आइकॉन दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे जाना है, आप प्लस साइन को क्लिक करेंगे। आपको जो भी वॉच लिस्ट बनानी है, मैं आपके सामने एक वॉच लिस्ट बना देता हूँ, मैं एक स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाता हूँ, जैसे कि निफ्टी 50 स्टॉक। ठीक है, निफ्टी 50 स्टॉक की मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, निफ्टी 50 स्टॉक। देखिए यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का स्टॉक और यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल, यहाँ पे अगर आप ये एंजल वन के अंदर एकदम सिंपल ऑप्शन है, मेथड है, आप अगर निफ्टी 50 के प्लस को कर देंगे इसको पूरा, तो आपकी पूरी वॉच लिस्ट जैसे कि आप क्रिएट करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने निफ्टी का भी क्रिएट करने जा रहा हूँ या क्रिएट का ऑप्शन दिखा रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद आपको सारे देखो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे निफ्टी 50 की जो वॉच लिस्ट है
वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और जैसे मैंने निफ्टी 50 के ऊपर मैंने क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पे सारे आपके जो स्टॉक है निफ्टी 50 के वो सारे आ जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, इसके आपको इसको यूज़ करना है। आपको डायरेक्ट पूरे स्टॉक ऐड करते नहीं बैठना है, जो भी आप निफ्टी 50, मिड 50, मिड कैप 50, जो भी आपको ऐड करना है इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आप उम्मीद करता हूँ ये वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है या आपको आसानी से मैं समझा पाया होगा। दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर पोर्टफोलियो का ऑप्शन है। अभी पोर्टफोलियो का ऑप्शन कैसा आएगा, जब आपका आपने कुछ शेयर खरीदे या कुछ आपका माल या आपने कुछ पोजिशन बनाई तो आपको पोर्टफोलियो में दिखने वाला है। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पोजिशन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये अभी हमारा पोजिशन चल रहा है ना, देखो ये यहाँ पर हमने इन्वेस्टेड किया हुआ है करंट और हमारा पोजिशन चल रहा है। तो यहाँ पर आपको जब आप पोर्टफोलियो में जाओगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। आपको यहाँ देखना है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है, तो आपको जाके आप यहाँ पे जाके देखो ये सब लिए। अभी मैं हमारा ये ETF मैंने खरीदा हुआ है, मार्केट गिरा था तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट गिरा था, हमने उसमें बाइक ये सब खरीदा हुआ है, मार्केट माल माल मैंने खरीदा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आप पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर, अभी ऑर्डर जब कब आएगा, जब आप ऑर्डर पंच करेंगे ना, ऑर्डर कब जब कुछ लेंगे तो पोजीशन के अंदर आपको जो ऑर्डर आपने लगाया है वो ऑर्डर आपको यहाँ दिखने वाला है। मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो डोंट वरी। तो चलो अभी हम लोग अभी चलते हैं डायरेक्टली कोई स्टॉक को खरीदते हैं। ओके, तो आपको मैं यहाँ पर लाइव आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप चलते हैं वॉच लिस्ट के अंदर, हमने गए थे और ये जो मैंने 1 CR का जो है दिखाया आपको, तो यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, मुझे एक ETF मुझे खरीदना है। ठीक है, मैं कोई भी ETF जो गिरा हुआ है अच्छा ज़्यादा, तो मैं उसको खरीद लेता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे अभी कोई ETF तो गिरा नहीं है, बट फिर भी हमें आपको ख़रीदने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जस्ट वेट, ओके 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 ओके, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, आप कमोडिटी ETF जो है वो हम लोग MS स्पॉट टॉप 50 हम खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है, जो आपको असेट के लेना है उस असेट के ऊपर क्लिक करना है, बाय बटन दबाओगे, बाय जैसे दबाओगे आपको यहाँ पे पूछेगा वन टाइम, तो वन टाइम के ऊपर मैं जाऊँगा। वन टाइम के जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा डिलीवरी एंड इंट्राडे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो इंट्राडे सेलेक्ट करिए, अगर आप डिलीवरी लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो, या तो स्विंग करना चाहते हो तो आप डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ करिए। तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल डिलीवरी के लिए चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी समझो एक शेयर मैंने खरीदना चाहता हूँ, समझो एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी माल मैंने परचेस कर लिया है, इसलिए मैं आपको एक शिकर शेयर खरीद करके दिखाना चाहता हूँ लाइव। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डाल देना है। ओके, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इस मुझे दिखाएगा कितना आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। देखो यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आपको 39.29, यहाँ पे आपको चार्जेस कितना लगने वाला है सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। ये बहुत बढ़िया फीचर है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ चीज़ें, आपको यहाँ पर आपके पास कितना कैश अवेलेबल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अभी मार्केट में लेना है या लिमिट में लेना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा मार्केट एंड लिमिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको जल्दबाजी है, अगर आपको लगता है कि प्राइस अभी मेरे भाव में आ चुका है तो मार्केट से खरीदिए डायरेक्ट, या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे मार्केट से नीचे जाएगा तब जाके खरीदना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी यह एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ जस्ट 2 मिनट 25 शेयर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिमिट लगाता हूँ। देखिए अभी मेरा प्राइस जो चल रहा है, यहाँ पर आप उसको प्राइस देख सकते हैं 39.29 चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये प्राइस मेरा जो है ये नीचे मुझे बाय करना है, यानी मैं सस्ता खरीदना चाहता हूँ, तो मैं 39 के ऊपर मैं बाय करना चाहता हूँ। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे करूँगा लिमिट चूज़ करने के बाद यहाँ पर 39 में रख दूँगा। ठीक है, लिमिट तो डाल के 39 भी चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन को कैसे हम कॉल पुट को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे उसमें बाय सेल करते हैं वो भी हम इसमें अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च के अंदर आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सर्च के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन आ रही है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन चेन आ रही है। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपल इसमें आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे उसको ऐड कर लेना है। जैसे ही आपने ऐड किया, यहाँ पर आपको पहले उसको ऐड करके ये सारा जो डिटेल आपका जो चेन है आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सब चेन, आपको यहाँ पे दिखेगा सब चेन। दिखने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपको इस साइड में रहते हैं आपके कॉल। ठीक है, इस साइड के अंदर आता है आपका कॉल और इस साइड के अंदर आता है आपका पुट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस साइड के अंदर अपना होता है कॉल, इस साइड के अंदर होता है पुट, लेफ्ट और राइट। तो आपको क्या करना है, जो आपको स्ट्राइक प्राइस के अंदर काम करना है वो स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, सर्च करना है, या तो फिर डायरेक्टली इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर आपको मैं क्लियर दिखा रहा हूँ, मुझे अभी एग्जाम्पल यहाँ पर 46,900 का कॉल। ठीक है, मुझे यहाँ पर 46,900 का कॉल और पुट दोनों ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको नीचे इसको स्क्रॉल करना है, 46,600
700 और 900, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 46,900 का कॉल। इस साइड में आपको रहेंगे कॉल और इस साइड में रहेंगे आपके पुट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर कॉल की तरफ जैसे आपको कॉल ऐड करना है तो आपको कॉल को बाय करना है तो आपको कॉल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है बाय सेल, ठीक है ना, यहाँ पर आपको आ रहा है ऑप्शन आ रहा है बाय सेल। आपको क्या करना है, सिंपल अगर बाय करना है तो आपको क्या करना है, बाय को दबाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप डिलीवरी के लिए क्या काम करना है तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आपको अगर इंट्राडे के लिए काम करना है तो इंट्राडे आप दगा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हम लोग इंट्राडे के लिए काम करेंगे। तो इंट्राडे आपको सिलेक्ट करना है, इंट्राडे के अंदर आपको मिनिमम यहाँ पे एक लॉट होगा आपका बैंक निफ्टी का 15 रुपये, 15 क्वांटिटी का। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 15 क्वांटिटी डाल देना है, जितना आपको लॉट काम करना है। 10 लॉट में काम करेंगे तो 150 क्वांटिटी, और अगर 5 लॉट में काम करेंगे तो आपको 75 क्वांटिटी आपको ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे जो आपको मार्केट और लिमिट, वो मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो के अंदर वो बताया था मैंने, तो यहाँ पर आपको मार्केट अगर चूज़ करना है तो मार्केट के अंदर आपको चूज़ कर सकते हैं, इसको मार्केट पे लगा सकते हैं। और अगर आपको लिमिट में लगाना है, आपको क्वांटिटी आपके आपके डिज़ायर प्राइस के ऊपर बाय करना है तो आपको लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, तो ठीक है यहाँ पर लगा दिया आपने। उसके बाद उसको क्या करना है, आपको सिंपल ये जो है प्लेस ऑर्डर दबाना है। प्लेस ऑर्डर दबाने का एक कंफर्म आपको पूछेगा, जैसे आप कंफर्म करोगे तो आपका ये कॉल जो है ये क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कॉल पुट को इस तरह से आपको यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको पुट बाय करना है, तो आपको जाना है वही मतलब 46,900 का पुट। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, इस साइड में हमारे होते हैं पुट और इस साइड में हमारे होते हैं कॉल्स, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर 47,900 के ऊपर पिक करना है, वहाँ पे आपको बाय करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ऐड टू द बास्केट। अगर आपको बास्केट भी ऑर्डर लगाना है तो बास्केट ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं, बास्केट ऑर्डर के बारे में एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बाय करना है, बाय करने के बाद आप सिंपल मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको इंट्राडे और यहाँ पर आपको पूछेगा कैरी फॉरवर्ड यानी डिलीवरी। आपको क्या करना है, इंट्राडे में काम करना है तो इंट्राडे सेलेक्ट करना है, और डिलीवरी के अंदर काम करना है तो डिलीवरी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मार्केट और लिमिट ये दो ऑप्शन आता है। लिमिट का ऑर्डर क्या होता है मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर लिमिट प्राइस आपको लेना चाहते हैं, यानी आपको आपके डिज़ायर प्राइस के ऊपर बाय करना है, अगर मार्केट ऊपर है, समझते हैं हम लोग मार्केट 400 रुपये उसको प्राइस चल रही है प्रीमियम की, और आपको कम मतलब कम परचेस में, यानी बोलते हैं ना कम प्राइस के अंदर आपको बाय करना है, यानी 350 के ऊपर बाय करना है, आपको लगता है कि मार्केट नीचे आने वाला है तो आप 300 इसको लिमिट चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मार्केट के भाव से बाय करना है, आप डायरेक्टली मार्केट लगा देंगे तो आपका जो भी मार्केट में प्राइस होगा उसके हिसाब से आपका बाय हो जाएगा। बस सिंपल है, आपको लॉट साइज डालना है, ध्यान में रखिएगा बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है 15 का, तो एक लॉट के 15 क्वांटिटी डालना पड़ेगा, दो लॉट के लिए आपको 30 क्वांटिटी डालना पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरह को आपको इसे समझना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपल आपको स्मार्ट ऑर्डर लगानी है, स्टॉप्स लॉस एंड जीटीटी ऑर्डर, तो अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो आपको जीटीटी ऑर्डर का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, बट अभी हम लोग फिलहाल इंट्राडे के लिए और कैरी फॉरवर्ड के लिए सिर्फ सिंपल ऑर्डर की हम लोग नॉर्मल ऑर्डर की लगाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर प्लेस ऑर्डर कर देंगे, जैसे प्लेस ऑर्डर करेंगे आपका ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको ऑप्शंस के रिगार्डिंग, आपको कॉल पुट कैसे ऐड करना है, कैसे आपको चेन देखनी है, कैसे आपको डायरेक्टली बाय करना है, आपने मैंने आपको मैंने एंजल वन के ऊपर दिखा दिया है। तो एंजल वन में अगर फिर से आपका अकाउंट नहीं है तो एंजल वन का लिंक मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन जाकर आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अगर मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको डेली के 2 कॉल्स हम लोग देते हैं, ऑप्शंस के कॉल होते हैं, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसका लिंक आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, और वहाँ पे आप फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ जाइए, जिसमें आप पहले देखिए कि आपको सच में वहाँ पे हम प्रॉफिट कराते हैं या नहीं कराते। अगर प्रॉफिट कराते हैं तो बाद में आप जाके हमारा देख सकते हो, और अगर आप मेरे साथ में अकाउंट ओपन कर लेते एंजल वन के साथ में तो आपको यहाँ पर वो सर्विस फ्री मिल जाती है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कुछ डाउट्स हो आप कमेंट्स करके मुझे लिख सकते हैं, मुझे लिख कर भेजें, मैं उसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।